हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल मामलों पर अधिकतर बात होती है। अब दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में एक केस जो कि आपको सबसे ज्यादा टेंशन देता है, जो कि आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो होता है जो आपका पुलिस केस होता है 498A, 323, 504, 506 या और भी कुछ धाराएं कई बार आपकी FIR में जुड़ी होती है। तो इसे लेकर के लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, आपको अरेस्टिंग का डर होता है, अपने माता पिता के फंसने का डर होता है, खुद के करियर का डर होता है। तो यानी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको प्रेशराइज कर रही होती है। और सेम टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि आप उन लोगों से बात करते हो, सामने वाली पार्टी से, और वो आपको कुछ पैसे की डिमांड भी कर देते हैं कि इसको बाहर के बाहर सेटल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि जो अमाउंट आपसे मांगी जा रही है वो बहुत बड़ी है और आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो आप उसमें भी नहीं जा सकते। और ऐसे में हम परेशान होते हैं, और परेशान होने के बाद फिर कुछ स्टेप्स उठा लेते हैं, और कई बार जल्दबाजी में कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं जो कि पूरे मामले के दौरान आपको परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कॉमन गलती बताने वाला हूं आप लोगों की, जो कि आप 498A के मामले में अधिकतर करते हो। 90% लोग ऐसे ही करते हैं और इसीलिए परेशान होते रहते हैं कई कई सालों तक, अपने और अपनी फैमिली को सबको उसमें इन्वॉल्व करके सबका हैरेसमेंट होता रहता है। तो दोस्तों, अगर हम इस गलती को ना करें तो हम बच सकते हैं, आसानी से स्मूथली इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक आप बने रहिएगा, पूरी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिलेंगे, वहां जाके हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आपके लिए इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। अब दोस्तों, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो बात यह है कि देखिए, 498A की FIR दर्ज हो गई। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके परिवार के 5-6 लोगों का नाम उसमें है। कई सारे सेक्शन लगे हुए हैं जिनमें से कुछ सेक्शन सीरियस हैं, जैसे कि 377 लगाए या 376 लगाए या 376/511 लगाए। कहने का मतलब, कुछ ऐसे सेक्शन जिनसे वास्तव में आपको डर लग रहा है कि इससे नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों, अगर ऐसे कोई सेक्शन है और आपका परिवार उसमें इन्वॉल्व है, तो लोग अधिकतर क्या करते हैं, भागते हैं बेल की तरफ। यानी उनका फोकस होता है कि किसी तरह से बेल मिल जाए ताकि हमारी अरेस्टिंग ना हो, या फिर उनका फोकस होता है किसी तरह से स्टे मिल जाए हमारी अरेस्टिंग ना हो। यानी कि उनका जो डर है वो उसे उस ओर ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस बेल पर या स्टे पर नहीं होना चाहिए। मेरी ओपिनियन से, मेरे एक्सपीरियंस से, जब आपके ऊपर FIR दर्ज होती है तो FIR के बाद आपका फोकस होना चाहिए कि उस FIR में अगर आपके परिवार के 6 लोगों के नाम है तो उसमें से मैक्सिमम जितने नाम आप रिमूव करवा सकते हो वो करवा लो। अब दोस्तों, नाम रिमूव कैसे होंगे? देखिए, जो FIR होती है मैक्सिमम केसेज में उसकी पूरी स्टोरी लाइन फेक होती है। हो सकता है कुछ मामले हों जिनमें ट्रू हो, लेकिन अधिकतर में फेक होती है। तो मैं फेक वालों की बात कर रहा हूं। तो जहां पर स्टोरी लाइन फेक होती है वहां पर ऑब्वियसली वो उसको साबित नहीं कर सकते हैं, और आपके पास कई बार बहुत सारे प्रूफ होते हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं या कुछ और डेटा होता है, कहीं पे आपकी अटेंडेंस उस डेट पे लगी हुई होती है जिस तारीख को घटना दिखाई जा रही है, या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। आपने दोस्तों जाकर के अपने IO से मिलना है और उसको बताना है कि पूरा का पूरा कंटेंट आपका झूठा है, ये रहे इन चीजों के एविडेंस। और कई बार होता है एविडेंस कम होते हैं या फिर नहीं होते, तब भी आप अपने IO से बात करें और उसको कॉन्फिडेंस में ले, उसको बताएं कि पूरा का पूरा मामला झूठा है। और दोस्तों, IO से मिलकर के, IO को कन्विंस करके आप वो सारे नाम वहां से हटवा सकते हो। अब दोस्तों, कैसे मैनेज करना है ये आप देखिए, लेकिन इतना है कि आप इस चीज को थाने पर मैनेज कर सकते हैं, वहीं से वो सारे नाम रिमूव हो जाएंगे। एज पर माई एक्सपीरियंस, हमारे हाथ में जो भी FIR रहती है उसमें सबसे पहला काम यही होता है कि उसमें से परिवार के लोगों का नाम हटाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो लोग बच जाते हैं, जिनके लिए IO कहता है कि इनका नाम नहीं हट सकता, इनके खिलाफ सख्त एलिगेशन है, या जो भी वो रीजन बताता है, लेकिन लास्ट में कहता है कि इन दो लोगों का नाम नहीं हटेगा, तब उन दो लोगों की हम बेल लेते हैं। यानी कि आप लोग पैनिक होकर के एकदम से बेल में जाते हो, और उससे होता क्या है, कई बार आपको लोअर कोर्ट से बेल मिल जाती है, कई बार लोअर कोर्ट से नहीं मिलती तो आप हाई कोर्ट में जाते हो। एक तो आपके एक्सपेंसिव बहुत लग रहे हैं, पैसा बहुत लग रहा है, और उसके बाद आपको सिर्फ बेल ही मिलेगी, वो भी टिल इन्वेस्टिगेशन, यानी चार्जशीट से पहले तक। चार्जशीट के बाद आपको फिर नॉर्मल बेल लेनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के कोई फायदा नहीं। अगर आपके परिवार के 6 लोग हैं और आपने बेल ले ली और उसके बाद घर पे बैठ गए, IO ने किसी के नाम नहीं हटाए, तो 6 के 6 लोग मुकदमे में इन्वॉल्व रहेंगे। और आपको पता ही है, जिन लोगों के पुराने 498A चल रहे होंगे, किसी के 7 साल से चल रहा है, किसी का 8 साल से चल रहा है, और अपने पास तो ऐसे ऐसे मामले भी हैं जिनमें 15-15 साल से 498A चल रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में अटका हुआ है, किसी में और कोई चीज फंसी हुई है, लेकिन बहुत लंबे लंबे समय से चल रहे हैं। तो इतने समय तक पूरे परिवार का हैरेसमेंट करना, ये कोई लॉजिक वाला काम नहीं है, कोई समझदारी भरा काम नहीं है।
तो पहला काम आपका एफआईआर होते ही ये रहना चाहिए कि आप परेशान ना हो। दूसरा काम ये होना चाहिए कि शांति से आप अपने आईओ से मिलें और उसमें से जितने नाम भी हट सकते हैं उनको हटवा लें। और ये मैं आपको बता देता हूं, नाम हट जाते हैं, मैक्सिमम नाम आपके हट जाएंगे। उसके बाद जिनके नहीं हटते उनकी बेल ले लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही स्मूथली सारी चीजें डील हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे फैक्टर में ये रहती है कि आपके पूरे परिवार का हैरेसमेंट बच जाता है। तो अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आप इस मुकदमे से आसानी से बाहर आ सकते हैं और अपना जो हैरेसमेंट का लेवल है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गलती चूंकि बार बार हो रही थी, बहुत सारे लोगों की पता चल रही थी, इसलिए मुझे लगा इस पर एक छोटा सा वीडियो जरूर आना चाहिए ताकि जिन लोगों के साथ अब ये हो रहा है, नई एफआईआर दर्ज हुई है, वो लोग इस बात को ध्यान में रखें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।